हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपको साइकोलॉजी का रिवीजन ऑलरेडी करवा रखा है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम कौन सी थ्योरीज हैं, किसने दी हैं, ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जब ये वाला आपका हो जाएगा टेट का एग्ज़ाम, तो उसके बाद नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है जैसे सी टेट वगैरह हो गए या PGT वगैरह हो गए, उसकी प्रेपरेशन हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। और किसकी प्रोसेस है? चेंजेस की प्रोसेस है। फिर चाहे वो मेंटल चेंजेस हों, कॉग्निटिव चेंजेस हों, आप में सोशल हो गए, मोरल हो गए। ठीक है, तो प्रिंसिपल मतलब ये कैसी प्रोसेस है? कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल आ जाता है, सीक्वेंस पैटर्न का प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल में ऐसी चीज़ें होंगी जो डेवलपमेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमेशा करेक्ट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे सफालो कॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो हेड टू टो जो डेवलपमेंट होगी उसे किसका नाम दे देते हैं? सफालो कॉर्डल का। और बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड जो डेवलपमेंट होती है उसे किसका नाम दिया जाता है? प्रॉक्सिमल डिस्टल का। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी कॉग्निटिव थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी जो है, जो पियाजे ने दी है, उसका नाम ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। वाइगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का नाम सोशियो कल्चर थ्योरी है। और ब्रूनर ने जो दी है उसकी भी, उसका नाम भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तीनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है। जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगोस्की भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ब्रूनर भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट ये एक स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी आती है साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी वर्ड कैसे बना है। तो साइकोलॉजी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड साइकी प्लस लोगोस या लोगस से बना है। साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल या माइंड इसका लिटरल मीनिंग आ जाता है। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसे साइंस ऑफ बिहेवियर कह दिया जाता है। एंड इसके जो फादर हैं वो वेलहम वुंड को कहा जाता है। वेलहम वुंड ही स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर भी हैं। वेलहम वुंड ही आपके इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसके प्रोफाउंडर भी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है, ट्रायल एंड एरर जिसे हम कह देते हैं। पावलोव की थ्योरी का नाम आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात की है। कोहलर ने इनसाइड लर्निंग थ्योरी दी है। बेंडूरा की थ्योरी का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी है। और गैगने ने हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है। थॉर्नडाइक ने जो था वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? कैट पे किया था। पावलोव ने डॉग पे, स्किनर ने रैट और पीजन पे किया था। स्किनर जो थे वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट जो आते हैं, जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, उससे ही इन्फ्लुएंस थे और उसी के बेसिस से इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने री इन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन एनकरेजमेंट के बारे में भी इन्होंने बात की थी स्किनर ने। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट था वो चिंपैंजेज या मंकीज़ पे किया था। ठीक है, इन्होंने जो था कैनरी आइलैंड पे एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके बाद इन्होंने की बुक का नाम भी है मेंटेलिटी ऑफ एप्स, आपने याद रखना है। बेंडूरा ने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। और गैग ने तो हायरार्की की फॉर्म में, या जिसे हम क्या कह देते हैं, लर्निंग डिज़ाइन का नाम भी दे देते हैं, गैग ने वो दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ये बिहेवियरिस्ट हैं, जिसके फादर कौन है? वॉटसन आ जाते हैं आपके। कोहलन कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। बेंडूरा सोशल आ जाते हैं और गैगने तो बिहेवियरिज्म के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस थ्योरीज। इंटेलिजेंस थ्योरी जो यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी है बीने ने दी है। टू फैक्टर या थ्री फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की है। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम मल्टी फैक्टर थ्योरी है। मल्टी फैक्टर में तीन कौन कौन से फैक्टर के बारे में बात करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट एंड सोशल। थर्स्टन की थ्योरी का नाम ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जिसमें वो सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। गिलफोर्ड की थ्योरी का नाम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल है। ठीक है, थ्री डायमेंशंस भी याद रखनी है आपने। प्रोसेस आ जाती है एक डायमेंशन, कंटेंट आ जाता है एंड प्रोडक्ट आ जाता है। स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है वो कैसी थ्योरी है? एक प्रोसेस थ्योरी है, या ट्रायर्किक थ्योरी से नाम दिया जाता है। जो तीन सब थ्योरीज हैं उनके नाम भी आपने याद रखने हैं। स्टर्नबर्ग की जो तीन सब थ्योरीज हैं उनके नाम आ जाते हैं एनालिटिकल, उसके बाद आपका एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव एंड कॉन्टेक्चुअल आ जाता है। ठीक है, गार्डनर ने मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी है।
थॉर्नडाइक की मल्टी है और इनकी थ्योरी का नाम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, जिसमें ये 8 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आती है पर्सनैलिटी थ्योरी। शेल्डन की जो पर्सनैलिटी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, इन्होंने बॉडी टाइप से रिलेट किया है, 3 इन्होंने टाइप दिए हैं। क्रैशमर की भी बॉडी टाइप से रिलेटेड है, इन्होंने 4 टाइप बताए पर्सनैलिटी के। कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। आइजैक ने 3 टाइप दिए हैं, ठीक है। एलपोर्ट ने क्या किया, इन्होंने जो ट्रेड्स होते हैं उससे लिंक किया, 3 टाइप इन्होंने दिए। और थॉर्नडाइक ने हमारी थिंकिंग इमेजिनेशन के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताए हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी का टॉपिक मैंने आपको करवाया है, उसे चेक कर सकते हो अगर थोड़ा डिटेल में देखना है, बट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, इसमें जस्ट एक रिवीजन ही है हमारा। मोटिवेशनल थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसे हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपने हायरार्की की 5 लेवल्स आपने याद रखने हैं। पहले लेवल का नाम फिजियोलॉजिकल आता है, 7 सेकेंड का सेफ्टी आता है, 3rd का आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, 4th आपका जाता है एस्टीम नीड्स, और लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए बॉटम में कौन है और टॉप मोस्ट पे कौन है। इन दोनों को मिला के कह दिया जाता है बेसिक नीड्स, मतलब खाना, रहना, घर वगैरह बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद जो एस्टीम नीड और लव एंड बिलोंगिंगनेस है, ये हमारी एक साइकोलॉजी है, मतलब दिमाग की ज़रूरतें। ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, तो इन्हें साइकोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है। और लास्ट वन हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। अब इसमें हमने एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो मैश्लो की हायरार्की है, मैश्लो एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इसी से इन्फ्लुएंस है हमारे कार्ल रोजर, और इन्होंने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात की है। ये भी ह्यूमनिस्ट यानी मानवीय मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इसके अलावा मैश्लो ने क्योंकि नीड्स के बारे में बात की, ये बात करते हैं कि हमारी जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होती है, बट अगर स्किनर जैसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करें जो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। आपने याद रखना है बच्चे को एज अ टीचर मोटिवेट करते समय कभी भी रिवॉर्ड्स वगैरह का यूज़ या पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना है, इसके जगह आपने वर्बल या नॉन वर्बल तरीक़ों का, जैसे क्लैपिंग करा दी, वेरी गुड लिख दिया, इस तरह के तरीक़ों का यूज़ करना है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ये रीइन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपकी थ्योरी है जो आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपसे जैसे CC से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा जो भी हमारे बुक्स हैं जिसकी मैंने वीडियो बनाई है, बुक्स हो गए, कुछ कोर्स हो गए, वो आपको पढ़ के जाने हैं। और जो मैंने अभी लेटेस्ट ना न्यू जो एक वीडियोस बनाई है MCQ वाली, वो भी प्लीज़ एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि उसमें से उसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जो लेटेस्ट मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो उनको देख कर जाना, और अगर देखी है नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना। अगर नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट में फिर ये होता है कि आप इतना सारा कुछ नहीं देख पाते, जो अपने वर्ड्स में आपने लिखा होता है ना, कुछ चीज़ें सिर्फ हमें वही याद रह पाती हैं, तो एक ओवरव्यू मतलब पेपर में जाने से पहले हम देख सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा साइकोलॉजी को टफ कर दिया एग्जामिनर ने, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाकी भी अभी ये नहीं बोल सकते कि बाकी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछने, ठीक है। तो आई होप आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए, और उसके बाद बाकी भी अगर पेपर की आप तैयारी करें तो वो भी अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।